के पहले गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली से पाकिस्तान ननकाना साहिब तक नगर कीर्तन निकलेगा। ये जानकारी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना ने अमृतसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि वह कुछ दिन पहले पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब के लेंटर को पूरा करने गए थे, जहां उन्हें पाकिस्तान सरकार तथा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा कमेटी की ओर से लिखित में जानकारी और इजाजत दी गई है। अब ये नगर कीर्तन 23 नवंबर 2018 को पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस नगर कीर्तन में शामिल होने के लिए वे समूह सिख संगठनों के अलावा एसटीपीसी और दिल्ली कमेटी को भी अपील करेंगे। कल पाकिस्तान जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत ना दिए जाने पर उन्होंने कहा कि इसमें एक साजिश की गई है। महाराष्ट्र तथा गुजरात की तर्ज पर पंजाब में पकोका कानून के बारे में उन्होंने कहा कि अगर इसकी जरूरत है तो इसे लागू करना चाहिए। तलवंडी साबो के युवक की हत्या के बारे में उन्होंने कहा कि लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जड़ी सानू गुरुद्वारा डेरा साहब मान शहीदी स्थान की सेवा मिली सी, उसका दूसरा लेंटर पैना सी, ते उस दे ले असी उत्थे उस वक्त हाजिर होना जरूरी समझा सी, ते असी परसों गए सी और लेंटर बड़ी गुरु की बख्शिश नाल कारगुरु की रहमत नाल बहुत अच्छा प्यार, और उस तो बाद कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी सन वो सानू पाकिस्तान सरकार के महकमे ने वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड ने पूरी सानू सपोर्ट दी है, तो उन्होंने कहा भी अपनी मर्यादा अनुसार तुसी जिस तरह गुरुद्वारा बना चाहते बना लो, साडे वालों पूरी सपोर्ट होगी। दूसरी गल ये कि असी दिसंबर के उन्होंने एक रिक्वेस्ट दे के आए सी बे, क्योंकि वक्त देखण नूं बहुत हैगा पर वक्त रहा नहीं है। 550वां प्रकाश उत्सव के खुशी दे असीं चाहते हाँ कि दिल्ली तो लैके ननकाणा साहब तक नगर कीर्तन जो है वह कढ़िया जाए, और यह भावें असी चोण हार गए पर असी अपनी चोण के मैनीफेस्टो विच एक गल रखी सी भी असी नगर कीर्तन लैके जावांगे, तो उस दे लई साडी मतवातर उन्होंने गलबात हो रही सी पर कदी कोई नहीं सी पर हुण उन्होंने सानू 5 दिन पहले इनफॉर्म करता कि असी चिट्ठी जिहड़ी है वह टाइप कर दिती हैगी, चेयरमैन साहब ने दस्त करते हैं, प्रधान साहब ने 2 दिन बाद आना है तो वह चिट्ठी तुसी बेशक जिवें कहोगे असी भिजवा देंगे, पर क्योंकि 7 तरीक नूं लेंटर पाना सी असी चले गए, सानू उन्होंने चिट्ठी जिहड़ी है देती है, और सानू इस गल की बड़ी खुशी हुई है कि संसार भर के सिखां दी समंग नूं क्योंकि ये लंडन के सिखा ने अपना पूरा सहयोग दिता, अमेरिका के सिखा ने दिता, यूरोप के कई सिखा ने कहा भी नगर कीर्तन जोड़ा है ये दिल्ली तो निकलना चाहिए, और लोकल जी संगत सी उन्होंने भी कहा भी निकलना भी चाहिए, और ये जी है श्रोमणी अकाली दल को देनी चाहिए है जिम्मेवारी, पर असी अपने तौर पर यह समुचे पंथ का साझा काम हैगा। असी श्रोमणी कमेटी, दिल्ली कमेटी, हजूर साहब, पटना साहब और जितनिया भी जथेबंदियां भावें बंबे दियां, महाराष्ट्र दियां, आंध्रा प्रदेश है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब तो है ही है, इन्हों सारे असं सहयोग लवेंगे भी और पूरा सहयोग इन्हों अपना देंगे, और मैं उम्मीद हैगी कि यह शाहना नगर कीर्तन जो है गुरु नानक साहब जी के 550वें प्रकाश उत्सव की खुशी निकलेगा। जिस तरह पिछली बारी दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ने नगर कीर्तन निकलने दे विच सानू सहयोग दिता सी, सानू उम्मीद है कि इस बार सेंटर की सरकार, दिल्ली की सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब की सरकार पिछली बार जिस तरह इस वारी अपना पूरा सहयोग इस नगर कीर्तन नूं कढ़न लई देणगे। सानू इस गल की खुशी है कि उस वक्त भी कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सन, हुण भी कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं, तो सानू उम्मीद है कि ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਿਖਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ
अपना पूरा योगदान जो है पाएगी, इस गल की सानू पूरी वास। देखो गल है कि जी के वो बेचारे रात 8 बजे तक बैठे रहन, इस उम्मीद से भी हुण सानू भेजणगे, पर टैक्निकल ग्राउंड दे उत्ते हिंदुस्तान दी रेलवे ने कह लो या डिपार्टमेंट किसी ने कह लो, उन्होंने उन्हें नहीं जान दिता, जबकि सारे के सारे यात्री समझौता एक्सप्रैस ट्रेन दे विच बैठ के सन। अगर वीज़ा जड़ा सी वो लग्या होया सी भाई बाई ट्रेन जाना है, तो कुदरती समझौता एक्सप्रैस सी तुसी ट्रेन ते जान दियो, तुसी बहाना क्यों लभ रहे हो भाई इन्हां भेजना नहीं है, इस वास्ते बहाना लभ रहे हो। फिर पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि सानू असी ट्रेन भेजते हैं तुम इजाजत दो, ये इजाजत नहीं दे रहे, नॉर्दर्न इंडिया उन्होंने लाइन से नहीं आ रही। तुम मैंने दसो जी जम्मू कश्मीर के हालात, कोई श्रीनगर जा रहे सन या मुजफ्फराबाद जा रहे सन, इतने डेरा साहब तो पंजा साहब जा रहे सन, जिते उन्होंने इतना सख्त प्रबंध किया होया, जिमें मोदी ने आना तो उस प्रबंध होया, यह जहाँ प्रबंध उन्होंने किया होया। देखो हाले मैं जब तक स्टडी नहीं कर रहा, मैं तो पता नहीं पकोका कानून कहड़ा है, बाकी मैं ये जरूर चाहवागे कि पंजाब के लोगों के उत्ते कानून के नाल नहीं नरमी नाल जो है उस नाल पेश आके ये दबाया जाएगा, दबाण नाल या सख्त कानून बनाने नाल कोई और ऐसी गल नज़र आ ही नहीं रही। ये मैं तो पहली बार तुहाडे कोल सुनिया पकोका कानून बना रही है, चलो बना रहा तो असीं तुहाडी गल पहुँचा देंगे, भी ना बना, असीं अपनी गल पहुँचा देंगे। बादल सरकार के उत्ते इल्जाम लगते सन कि वह विदेशियों के नाल ये जी करते सन, एक किसी की आपसी जिहड़ी खाना जंगी है लड़ाई है, इहदे च कोई की कर सकेगा। ये जरूर होएगा अमरिंदर सिंह की सरकार दे विच कि किसी विदोशी नूं सजा नहीं होएगी, कि किसी दोषी नूं छड्या नहीं जाएगा। देखो गल हैगी जी कि वैसे तो कानून नूं कोई हाथ अपने आप लैना नहीं चाहिए, हाँ जो फड़ के पुलिस के हवाले करते तो पुलिस कुछ ना करती तो फिर तो जो मर्जी कर लेंगे, नहीं कर रही थे तो फिर ठीक है, जो किया ठीक।